नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं अरविंदर सिंह। रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। सरकारी दवाइयों की दुकानों में दवाइयों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने इस तरह के भ्रम प्रचार करने वालों को सुनाई खरी खोटी। स्किल इंडिया मिशन के तहत राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज में 4 अक्टूबर को रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का उद्घाटन 4 अक्टूबर को राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में किया जाएगा आयोजित। रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। प्रदेश में अस्पतालों के अंदर चल रहे सरकारी दवाइयों की दुकानों में दवाइयों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने इस तरह के भ्रम प्रचार करने वालों को खरी खोटी सुनाई है। कौल सिंह ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कुछ चिकित्सक और कुछ केमिस्ट एसोसिएशनों का काम है, लेकिन जो चिकित्सक इन दवाइयों को प्राथमिकता के तौर पर नहीं लिख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अस्पतालों के अंदर चल रही सरकारी दवाइयों की दुकानों में दवाइयों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने इस तरह के भ्रमक प्रचार करने वालों को खरी खोटी सुनाई है। कौल सिंह ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कुछ चिकित्सक और कुछ केमिस्ट एसोसिएशनों का काम है, लेकिन जो चिकित्सक इन दवाइयों को प्राथमिकता के तौर पर नहीं लिखेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तक की जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कई डॉक्टर ही मरीजों को जेनरिक दवाइयों की बजाय दूसरी दवाइयां लिख रहे हैं, जिनकी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी दुकानों पर दवाइयां गुणवत्ता वाली होती हैं, लेकिन कुछ चिकित्सक और केमिस्ट एसोसिएशनों की वजह से ऐसी बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने चिकित्सकों को हिदायत देते हुए कहा कि चिकित्सक वही दवाइयां लिखें जो कि अस्पताल में उपलब्ध हों। गौरतलब है कि अस्पताल में मिलने वाली दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं और मरीज पर सस्ती दवाइयों का असर नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा गुणवत्ता के सवाल पर दिए बयान से अब चिकित्सकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही तो गलत बात है, एक इसका ये कुछ हमारे डॉक्टर भी है इसमें और कुछ केमिस्ट एसोसिएशन, ये दवाइयां ठीक नहीं है। जबकि हमने कहा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जो डॉक्टर एक पर्ची लिखेगा एक नीचे पर्ची रिकॉर्ड रहेगी हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो उन्हीं दवाइयों को लिखे जो हमारे हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध हैं, और जो जेनरिक मेडिसिन है दे आर ऑफ दी क्वालिटी, दे आर नॉट सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो इसलिए ये कहना गलत है, ये भी एक प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं। कोई डॉक्टर कहते हैं ये दवाई तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता इसका असर होना कि नहीं, वही लिखे जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जेनरिक दवाइयां सस्ती दवाइयां। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने जनता को गुमराह करने वाली, साथ ही इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। नरेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास और उद्घाटनों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय में कई ऐसी योजनाओं की घोषणा हुई थी जिसे वर्तमान केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी पुरानी स्कीमों को नया रूप देकर जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। वहीं नरेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंच से आधारहीन बयानबाजी न करने की बात कही। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब उन पर भी कई संगीन आरोप लगे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान प्रदेश सरकार को जमानत वाली सरकार करार दिया था, ये पलटवार उसी पर था। बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने इस रैली को जनता को गुमराह करने वाली और चुनावी स्टंट रैली करार दिया है। नरेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास और उद्घाटनों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय में भी ऐसी घोषणाएं की गई थी और आज जो भी घोषणाएं की जा रही हैं वे सब पुरानी स्कीमों को नया रूप देकर जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही नरेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंच से बेतुकी बयानबाजी नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बिलासपुर की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरानी योजनाओं को नया रूप देकर जनता के सामने प्रस्तुत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही मोदी को एम्स ट्रिपल आईटी की याद आई, जो जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आज बिलासपुर में रैली हो रही है वो एक तरह से असफल रही, और आज ही क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि उनको हिमाचल प्रदेश में एम्स की आधारशिला रखने के लिए आना पड़ा। आज जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और ये एक चुनावी स्टंट कह सकते हैं कि हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, और जहां तक एम्स की बात है, चाहे एम्स है चाहे आईआईटी चाहे आईएम, जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें ही ये इसकी घोषणा की गई थी कि पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर आईआईटी आईएम और एम्स का खोले जाएंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने हिमाचल को दिया है, तो इससे पहले भी यूपीए की केंद्र सरकार ने ऐसी घोषणाएं की थी, और आज अगर किसी भी चीज़ के उद्घाटन या घोषणाएं की जा रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई नई घोषणा नहीं कर रहे हैं, परंतु यूपीए की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ही उनको नया प्रारूप देकर लागू किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो गुमराह नहीं हो सकती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और यूपी की केंद्र की पूर्व सरकार ने बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है। परंतु जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि रोजगार के साधन दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खातों में 15-15 लाख रुपये डाले जाएंगे। परंतु ऐसा 3 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना आज कोई नए रोजगार के साधन युवाओं को दिए गए, ना तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, ना तो महंगाई कम की। उल्टा आज आप देखेंगे कि चाहे डीजल के दाम है, चाहे पेट्रोल के दाम है, चाहे गैसों के दाम है, आज चरम सीमा पर हैं, और आज आम जनता जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर। और 3 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ भाजपा की केंद्र की सरकार ने घोषणाएं की हैं और उसके अलावा कुछ भी ऐसा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए नहीं किया है। और हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार 2017 में रिपीट होगी। भाजपा के इन जो चुनावी स्टंट हैं और ये जो घोषणाएं हैं ये मात्र कोरी हैं, और जो हिमाचल की जनता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। नरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब 3 साल पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज ना तो रोजगार दिया जा रहा है तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, महंगाई भी चरम पर है, जिससे जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल घोषणाओं की ही सरकार है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को एक अपने पद की गरिमा के अनुसार ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस तरह से प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, परंतु जब वो भी खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो उनके ऊपर कितने आरोप लगे थे। इस तरह से इस उच्च पद पर बैठकर ऐसी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ या माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कहें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर। ठाकुर मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल के नंबर 1 ड्राइविंग स्कूलों में से है एक, जहां पर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा LMB नॉन ट्रांसपोर्ट, LTV ट्रांसपोर्ट व्हीकल, HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वाहन को चलाने का आधुनिक तकनीक से दिया जाता है प्रशिक्षण। ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ियों के कलपुर्जों की भी दी जाती है जानकारी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ साथ शादी विवाह व टूर के लिए भी बुक की जाती है गाड़ियाँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रदूषण जांच केंद्र की भी है सुविधा, तो ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर, नियर पेट्रोल पंप हथलीखड हमीरपुर। हमारा नंबर है 9418667908,
9418400349। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर व ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नई लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762888942339। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के कृष्णा नगर में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में बड़े बेटे के साले ने घर में आकर महिला और युवक से मारपीट की है। वहीं मामले की शिकायत पुलिस में करवाई गई लेकिन कार्रवाई ना होने पर परिवार निराश है। हमीरपुर के कृष्णा नगर में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में बड़े बेटे के साले ने घर में आकर महिला और युवक से मारपीट की है। वहीं मामले की शिकायत पुलिस में करवाई गई लेकिन कार्रवाई ना होने पर परिवार निराश है। कृष्णा नगर की निवासी कांता देवी और बेटे अश्विनी ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि बड़े बेटे के साले ने घर में आकर बिना वजह से मारपीट की और हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी तक दी। मारपीट में छोटे बेटे के कान का पर्दा तक फट गया तो महिला के सिर व मुंह पर चोटें आई हैं। कांता देवी ने बताया कि बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है और अब वे अपने ससुराल में रहता है। उन्होंने बताया कि बेटे के साले द्वारा कई बार आकर मारपीट पहले भी की जा चुकी है और इस बार तो वे हथियार लेकर घर में आया था जिससे पूरा परिवार डरा हुआ है। बहुत मार पिटाई थी कि मेरे बेटे मारा था एफ डी और जब मैं छुड़ाना गई तो मेरे ने गलतार करने लगा मुझे बड़ा मारे। बेहोश हुई है दो जने संजय मारे तो दोनों बेहोश हुई है लोहे कड़े ने मारे तेने दिन थी हथ ले गए लोहे तेने पिस्तौल हथ ले गई इतनी छोटी पता नहीं कैसी है उसने मारने इन्नी कड़ी थी यहाँ देख मार देने खत्म कर देने बड़े मुश्किल आए होश आई बड़े मुश्किल में छुटना लग गए तो घर गया घर के भी सानू मारने पे गए वो भी पेगी मारना माँ भी पेगी मारना हम मजबूरी अल मारी मारने बेहोश कर गए ना हम बड़े मुश्किल तो नठी ने घर फिर अभी पुलिस वाले फोन किया पुलिस नहीं आई फिर मेरी मुझे करना उन्हें फोन किया तो पुलिस आई हूँ एम्बूलेंस को आए हाँ हॉस्पिटल उतने हजे टीका टाक कराए टीका अपने पैसे की दवाई ले जाते पैसे नहीं लेने की होता फिर दवाई ले फिर अहम जो पुलिस उत्तर छंडने चलाए अहम कल रही फिर यह पैदल आई के कृष्णा नगर 3 बजे पुजे आए फिर उसके बाद पुलिस ने कोई नहीं बोले फायर दर्ज करती हो क्या कोई अलग कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं अहम जो कोई कुछ मंग नहीं होगी ना इससे पहले भी नहीं पहले केस होया तब कुछ नहीं होता हूँ करा देता भी कुछ नहीं होगा चौथा दिन नहीं होता एक कंडीशन है कुछ नहीं बनता अहम जो जाने का खतरा और बेला बड़ा मुनू मेरा इन्हें ना रहा उदा भी खतरा सब क्योंकि वो बिल्कुल ना किडनैपर साइड रख के वो ना साढ़े ना गल कर सकता ना आई सकता ना साढ़ा दिखी सकता कुछ जाते हैं कुछ जो भी करें कंडीशन सब हमारे यहाँ तो देखने हमने कैसे रहना दो माँ बेटा घर रास्ता हमारा वही है रास्ते से हम जा नहीं सकते ऐसे उस रास्ते से हम ऐसे जा नहीं सकते हैं डरते हुए जाते
जिसने जिससे कोई नहीं इतर लेकिन उसने कई बार मारा हमें उन घर वालों ने मारा कुछ नहीं करती पुलिस अब पाँच साल से उसकी बहन ने शादी कर ली है उसके बाद उसकी रक्ष रखता है बहन उनके पास रहती है किराए पर रहती है उनके पास रहती है ना मेरा बेटा आता ना वो आती है फिर हमारे से क्या रंजिश हमारे से क्या रंजिश मैं तो माँ बेटा हूँ दोनों रहते हैं मुझसे कोई बातचीत नहीं कोई लेना देना नहीं हमारा ना अच्छी मैं ना बुरी बेटी घर नहीं आती है उसने भी घर में आके कई बार मेरे को मारा पीटा ये कुछ नहीं करते हाँ जी ड्राइवर गाड़ी चलाता है पता नहीं वो कई कई धंधे में बढ़ते रहते क्या क्या काम करते रहते हैं कोई नहीं वहाँ मुझे नहीं पता कि उसके पास कागज है या नहीं है कुछ कौल है उसके पास और भी हथियार है उसके पास हाँ जी उसने कोई माइंड भी कर रखे है हाँ जी कई को मारे उसने कई को मार भी दिया जान से थोड़े दिन को संदर करती है फिर छोड़ देती है और भी गलत गलत काम करता है वहीं छोटे बेटे अश्विनी ने बताया कि जब घर के पास ही दूध लेने वे जा रहा था तो अचानक ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया जिससे मुंह पर चोट आई है और कान का पर्दा भी फट गया है उन्होंने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज करवाने पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें यहां से वहां दौड़ाया जा रहा है भाई का साला जो है जो जाते टाइम में कुछ शनिवार को रात को उसने मारा और साथ में पिस्तौल उसने मेरे पे तो कुछ के बाद किया तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया कि वो सर क्या बोलते भाई मेरा एकदम मैजिक ही हुई उसके बहन के साथ ना तब आपस में उनकी बनती है पर मेरे साथ में करते हो ना बताओ और आपकी मदर को कहाँ कहाँ लगी मेरी मदर को भी उसने इसके साथ क्या बोलते करते गए उनकी साइड से मारा वो सीन में और ये हमारे गिफ्ट के साथ हो जो आज देखते हैं उसके साथ और ये मारा बहुत बढ़िया स्किल इंडिया मिशन के तहत हमीरपुर के राजकीय बहुतकनिकी कॉलेज में 4 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित नामी कंपनियां बेरोजगार युवाओं का साक्षात्कार लेने पहुंचेगी। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेले में 10वीं पास या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत हमीरपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। रोजगार मेले में देश की प्रतिष्ठित 29 कंपनियां साक्षात्कार लेने पहुंच रही हैं। कंपनियों में 1500 युवाओं को रोजगार देने का बात कही जा रही है। रोजगार मेले में 10वीं पास या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और चयनित युवाओं को नौकरियों का प्रस्ताव पत्र मौके पर ही दिया जाएगा। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा रोजगार मेले का शुभारंभ 4 अक्टूबर को राजकीय बहुतकनिकी कॉलेज बड़ू हमीरपुर परिसर में किया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से बहुतकनिकी कॉलेज बड़ू में 4 अक्टूबर को एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में स्किल इंडिया मिशन को पहुंचाने के लिए दिशा में काम कर रहा है। वर्ष 2022 तक कौशल विकास निगम देश में 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी जयकांत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं के अलावा स्थानीय स्कूल कॉलेज के युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में आईटीआई, कपड़ा उद्योग, रिटेल, स्वास्थ्य संबंधित निर्माण क्षेत्र, कृषि उद्योग क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में जुबली एंड फुटवर्क्स, विप्रो, वॉलमार्ट, वर्धमान टेली परफॉर्मेंस, सुडेक्सो गति, यूरेका, फोर्ब्स आदि नामी ग्रामी कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेने आ रही हैं। कंपनियों का विश्लेषण आ चुका है जो आने वाली हैं और हो सकता है थोड़े दिन कल तक और भी हमारे पास नाम आ जाएं और बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। वॉलमार्ट जैसे आपने नाम सुना होगा, जुबिलेंट फूडवर्क से डोमिनोज पिज़्ज़ा का आउटलेट बनाता है वो आ रहे हैं हमारे पास। आपके गति डब्ल्यू ए के आपके लॉजिस्टिक की कंपनी है वो आ रही है, ITC लिमिटेड आ रही है, तो नामी ग्रामी कंपनियाँ जो आ रही हैं इसकी यहाँ के आपके माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी के द्वारा होगा और हो सकता है हमारे कौशल विकास के MOS मंत्री अनंत कुमार हेड़के के आने की संभावना है।
राजकीय जो हमारा पॉलिटेक्निकल कॉलेज है यहाँ पर बड़ू में, वहाँ पर ये 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश की प्रतिष्ठित 29 कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जो ट्रेंड हैं, चाहे वो ITI से ट्रेंड हो, PMKY में ट्रेंड हो, या 10th+2 ग्रेजुएट, MBA, BTech, उनके लिए वो यहाँ इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे और स्पॉट पर इनको जॉब ऑफर कर लेटर देंगे। जैसे कि अगर ITI, ITS से आ रहे हैं, हमारे पास सुडेक्सो आ रहा है, वॉलमार्ट आ रहा है जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, विप्रो हमारे पास आ रहा है, इसके अलावा टेक महिंद्रा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहां पार्टिसिपेट कर रही हैं। रोजगार मेला है, इसका उद्घाटन माननीय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से हम यहां से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। इसमें हमारे जो मंत्रालय से मंत्री जी हैं, MOS अनंत हेगे जी, उनके आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 का उद्घाटन 4 अक्टूबर को राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के 750 छात्र सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन समारोह में उपायुक्त हमीरपुर संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 की मेजबानी इस बार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर को सौंपी गई है। ये जानकारी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरदेव सिंह जम्बाल ने दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज को ग्रुप 3 इंटर कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन सत्र 4 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर रमन कुमार मीणा तथा समापन समारोह 7 अक्टूबर को उपायुक्त हमीरपुर संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस बार कॉलेज में ग्रुप 3 की प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि एकल नृत्य में छात्रों को कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिशा, कथक सहित अन्य लोक नृत्यों की प्रस्तुति देनी होगी। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। RJ फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेस। RJ फैशन पॉइंट, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट, पैंट, स्कर्ट एंड स्कूल बैग, फुल एंड हाफ कोट, ब्लेजर, जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट, कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ RJ फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है RJ फैशन पॉइंट, अपोजिट दीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी, हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। RK हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर RK हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा MS ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव MS गायनी, डॉक्टर MN कमाल MD पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया DM कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही DM न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी DM पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही RK हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। RK हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवी टिक्कर में 4 से 6 अक्टूबर तक मंडल स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 80 स्कूलों के 500 के करीब बच्चे भाग लेंगे। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चबैल ने कहा कि डिडवी टिक्कर स्कूल में होने वाले बाल स्कूल सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडवी टिक्कर में 4 से 6 अक्टूबर तक मंडल स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 80 स्कूलों के 500 बच्चे भाग लेंगे। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबियाल ने बताया कि डिडवी टिक्कर स्कूल में होने वाले बाल विज्ञान सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबियाल ने बताया कि विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए बाल विज्ञान सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मन में उठने वाले सवालों का भी इस तरह के सम्मेलन में समाधान मिल जाता है। मंडल स्तरीय जो बाल विज्ञान सम्मेलन उपमंडल हमीरपुर का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डिडमी में 4 से 6 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 30 प्राइवेट स्कूल हैं और 50 दूसरे 80 स्कूलों के लगभग 500 के करीब बच्चे विभिन्न एक्टिविटीज में भाग लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमीरपुर जिले के जो मैं कहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों की एक हब बनी हुई है हमीरपुर स्थानीय सिटी के अंदर, तो यहाँ की बहुत से जो प्राइवेट स्कूल है सारे के सारे यहीं पे वो हैं, और वो मैक्सिमम लगभग 30 स्कूल है जो कि इतने बड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूलों का और गवर्नमेंट स्कूलों का एक साझा कंपटीशन किया जा रहा है। और इसमें जो हमारी भिन्न भिन्न एक्टिविटीज हैं वो उसी प्रकार से हैं जैसे पहले थी। इसमें एक साइंस क्यूज रखा गया है जो कि 3 ग्रुप में बांटा गया है, एक जूनियर ग्रुप 6 से 8वीं और एक 9 से 10th सीनियर और एक सीनियर सेकेंडरी 10+2 के और 10+1 के बच्चे उसमें भाग लेंगे। और एक बहुत ही रोचक एक्टिविटी कॉर्नर्स हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और मैथ्स से, उन कॉर्नर्स में हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चों को एक्टिविटीज के द्वारा जो प्रेजेंट हमारी जो आज की जो बेसिक साइंस है उससे जो जीवन की हमारी घटनाओं को कैसे जोड़े। बच्चे कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं, कभी उसको जादू कहते हैं, कभी उसको हम दूसरी भाषा में लेते हैं कि ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक्टिविटीज कॉर्नर्स में उनकी रिप्लाई मिलती है और उसका जो वैज्ञानिक प्रोसीजर है, वैज्ञानिक रहस्य है, उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज हम बच्चों को देते हैं ताकि एक पर्दाफाश हो जाए कि चमत्कार कोई नहीं होता है, हर चीज का एक वैज्ञानिक तथ्य है और उसी कारण इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो प्रकृति के बीच में होती हैं। तो इन बाल विज्ञान सम्मेलनों के द्वारा जहां हम एक और बाल विज्ञान का प्रचार और प्रसार करके जो एक अंधविश्वास है समाज के अंदर उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, दूसरी ओर हम बच्चों का आज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेटअप करने की उसमें इजाफा करने की कोशिश करते हैं और बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई को और सरल बनाकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बच्चे विज्ञान के प्रति आकर्षित हों और जो बेसिक साइंस में आगे एडमिशन लें ताकि हम एक अच्छे और बढ़िया साइंटिस्ट अपने ही देश के अंदर पैदा कर सके, क्योंकि बिना विज्ञान से हमारा देश जो आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज ये हकीकत है कि हमारे जो साइंस में जो साइंस टीम जिसको हम बेसिक साइंस कहेंगे उसमें बहुत से कम बच्चे जो हैं आगे एडमिशन ले रहे हैं और यही कारण है कि भारतवर्ष में हमारे साइंटिस्टों की कमी होती जा रही है। हमारे बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं बाहर साइंटिस्ट बने हुए हैं, बाहर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में हमारे आज भी साइंटिस्ट की कमी है। तो इस चीज़ को, इस समस्या को दूर करने के लिए अगर हम विज्ञान के प्रति बच्चों को आकर्षित करते हैं और जो हमारी रिसर्च साइंस है उसके लिए उनके अंदर एक भावना प्रकट करते हैं या भावना उनमें एक जागृत करते हैं, तभी हमारे बच्चे बेसिक साइंस में जाएंगे और तभी हमें अच्छी मात्रा में और बहुत बड़ी बड़ी साइंटिस्ट मिल पाएंगे। और उन साइंटिस्टों के मिलने के बाद ही मैं समझता हूँ कि हमारी हर समस्या का हल होगा, हमारा आगे ये देश आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि आज चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली से बात हो, सभी इस कार्य में एकजुट होकर लगे हुए हैं और सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा ये काम जो है साइंस की पढ़ाई को आगे ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप बने रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।